लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं। ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांधकर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है। ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला। बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम ही क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम। अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग, ले चलो इसे। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी, अंजलि, अंजलि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं दिया, ना सुख ना खुशी, कुछ भी नहीं। तुम ठीक सोचती हो, शायद मुझसे अलग रहकर तुम खुश रह सको, तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ सके। इसलिए मैंने उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। रानी, बच्चों को लेकर ऊपर जाना। चलो बच्चों। ये सब क्या है अंजलि, ये सब क्या है? बोलो अंजलि, ये सब क्या है? तलाक, मैंने तलाक ले लिया है मामा, मैंने ही मांगा था। आपको पता है किसी आदमी ने मेरे पापा का खून किया है। आपकी मां का सिंदूर मिटाने वाला, गले का मंगलसूत्र तोड़ने वाला यही आदमी है। मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती और आज के बाद उसके नाम का मंगलसूत्र भी कभी नहीं पहनूंगी, कभी नहीं। चुप, चुप, क्या कर क्या रही है तू? तू पागल? क्या कहा तूने? क्या कहा? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इतना बड़ा फैसला किया तूने? अपने गले का मंगलसूत्र तोड़ने चली है तू? अपने पापा के लिए? बहुत प्यार करती है अपने पापा से, उनकी मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है तुझे, लेकिन तू नहीं जानती तेरे पापा क्या थे। जानना चाहती है तू उनकी असली? मिस्टर सिंह,
मुझे लगता है कि वसीम खान को छुड़ाना नामुमकिन है। आपका दामाद डीसीपी आजाद किसी की बात नहीं सुनेगा। यू डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, मैं उसका फादर लॉ तो हूं, कानून के हिसाब से भी मैं उसका बाप हूं। He is merely deputy commissioner of police. और मैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप लोग वसीम खान के बंदोबस्त की तैयारी कीजिए। ब्रिलियंट। फिर ये रहे आपके $500,000। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। पैसे के लिए आज इस हद तक उतर आए हैं आप? हमारे दामाद ने अपनी जान जोखिम में डाल के वसीम खान को पकड़ा और आपने उसे छोड़ देने के लिए इन लोगों से पैसे लिए? आजाद आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। तू अच्छी तरह से जानती है सूर्य प्रताप सिंह अपने बनाए रास्तों पर चलता है, और जो भी उसके रास्ते में अड़चन बना मौत के सामने ढेर हो गया। अगर मेरा दामाद मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसका अंजाम भी मौत होगा। पैसे के लिए तो तेरे पापा कुछ भी कर सकते थे, बेटी का सुहाग भी उनके लिए कुछ नहीं था। लेकिन देख देख बेटी, तू अपने पति को देख, तेरी खुशी के खातिर उसने तलाकनामे पर साइन कर दिया है, एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। अंजलि, तेरे पापा के खून करने के जुर्म में आजाद को अगर फांसी की भी सजा हो जाती है ना, तो वहां पर भी वो कुछ पल के लिए तड़पेगा। लेकिन बेटी, तूने उसे ऐसी सजा दी है कि वो तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए जिंदगी भर तड़पता रहेगा। अंजलि, तूने बहुत बड़ी गलती की है अंजलि, बहुत। बेटा, तुम्हें तो मालूम है मेरा प्रताप आतंकवादी नहीं है, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, तुम्हें तो पता है। फिर भी उसे पुलिस वाले ने इतना पीटा, बहुत मारा मेरे बेटे को, बहुत मारा। बेटा, मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, हम क्या करें? भाई साहब, आप ही ने कहा था ना कि प्रताप बहुत होनहार लड़का है। आपकी बात मान के, आप पे भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादी उससे तय कर दी, और आपने हमें धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया आपने ऐसा, मैं पूछता हूं, क्यों? प्रताप, सर, मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया सर। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, बहुत टॉर्चर किया सर, लेकिन मैंने अपनी जुबान नहीं खोली सर। आप चिंता ना करें सर, मैं आपका नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं सर। नहीं प्रताप, तुम्हें जीना है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, और इस देश को आपकी जरूरत है सर। नहीं प्रताप, अब बहुत हो गया, मैं अपनी इज्जत के लिए तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं सब कुछ सच बता दूंगा,
तुम भी बता देना कि किस तरह से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। असली मुजरिम मैं हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर, तो आपके हाथों में हथकड़ी कैसे बर्दाश्त करूंगा? अगर मेरी जान को दांव पर लगाकर आपके दुश्मन आपसे बदला लेना चाहते हैं तो ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं आपको हारने नहीं दूंगा सर, आपको जीतना होगा, आपको जीतना होगा सर, आपको जीतना होगा सर। हमारे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खेलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों। उस लड़के ने खुदकुशी करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि उसे ढाल बनाकर आजाद को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद वसीम खान को जेल से छुड़वाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब आजाद घायल शेर की तरह मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, वसीम खान के साथ साथ मुझे भी ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर ये कैसे होगा सर? शंकर सिंघानिया की जिद तुमने देखी नहीं है, मजबूर कर दूंगा सरकार को। पुलिस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी। बस, और कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। ठीक एक घंटे के अंदर वसीम खान को रिहा करो और हम दोनों का देश से बाहर जाने का इंतजाम करो। अगर तुम्हारी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ठीक 5 बजे मुंबई शहर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। सर, जब 100% की जान बचाने के लिए हम 3 टेररिस्ट छोड़ सकते हैं, तो क्या हजारों सिटीजन की जान बचाने के लिए हम 1 टेररिस्ट नहीं छोड़ सकते? सर प्लीज। ओके, रिलीज हिम। राइट। किसी को अंदर आने मत देना, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। ओके। क्यों आजाद, अब तो पता चल गया ना तुम्हारे अपने लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अब देखो ना, आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद।